हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, डी आराधना की दुनिया में। तो देखिए, सुबह का बज रहा था शायद 11:30 और मेरा सारा काम हो चुका था। तो आज सोचे कि ये लोग को भी नहा देते हैं, क्योंकि जब से मेरे पास आई थी तब से आज फर्स्ट बार मेरा लाइफ में फर्स्ट बार ये मोमेंट आया, मतलब ये लोग को नहाए हैं हम। अभी तक कोई नहीं नहाया है मेरे पास, क्योंकि छोटा था तो मतलब छोटी थी तो नहाने का नहीं था। और जब नहाने का समय आया तो क्या बोलता है, ठंड आ गई तो हम नहा नहीं सकते थे, तो इसलिए कोई नहीं नहाई थी। ये तो ये दोनों को आई थी तो मेरे पास नहा के ही आई थी, तो ये दोनों को आज नहा दिए हैं। तो देखिए, मसूरानी का नहाने वाला वीडियो तो डिलीट हो चुका, पता नहीं कैसे कैसे डिलीट हो जाता है, ये लोग बच्चे के कारण कभी कभी हो जाता है। तो ये तो एकदम शांति से नहा ली, बहुत अच्छे से, बदमाशी भी नहीं की, बिल्कुल भी नहीं, एकदम अच्छे से नहाई एकदम। लेकिन अभी थोड़ा सा बदमाशी कर रही है तो देखिए कैसे उछलती है, देखिए कैसे कैसे करती है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और सब मिल के इसको तीनों से परेशान रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा शांत शांत है और इसको अकेले रहना, जहाँ रहती थी ना वहाँ ये शायद अकेले ही थी और आदमी उदमी से उतना मिलती जुलती नहीं थी, तो ये सिर्फ अकेले रह। चीकू रानी और कुकू रानी मुसू रानी को बहुत परेशान करती है। सबका नाम है अलग अलग, इसका नाम है मुसू, ये काली वाली का नाम है कुकू और इसका नाम है चीकू। लेकिन हम प्यार से कभी मुसू रानी, कभी चीकू रानी, कभी कुकू रानी, तो कभी थोड़ा सा कुछ और भी प्यार से बोल देते हैं। तो इसलिए देखिए, मुसू रानी तो एकदम मतलब डर जाती है और वो खेलना चाहती है खुल के, मतलब अकेले हम रहें, अकेले खेलना चाहे, क्योंकि उसका खाने पीने का ना अकेले एकदम अथी है। खाएगी भी ना तो इसको अकेले दीजिए, अलग दीजिए एकदम, किसी के सामने नहीं खाएगी। सोएगी भी तो इसको अलग चाहिए, सबके साथ नहीं सोएगी, इसको अलग चाहिए। कैसे कैसे कर रही है, देखिए कितना माथा ख़राब की है चीकू रानी, उसको कितना परेशान की है, बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाती है वो। आइए, अभी भींगा हुआ है तो ऐसे ज़्यादा ही कर रही है, उस साइड ले जाकर खिड़की पे रख देंगे, खिड़की पे तो खिड़की पे धूपा आता है ना, तो धूपा में सूख जाएगी। छत पे ऐसे बोला गया है कि 1 घंटा छत पे रखने के लिए, लेकिन बहुत ऊंचा है और दो दो वो को क्योंकि मेली रानी को भी नहाना है, तो दो दो वो को ऊपर लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो जाने नहीं देगी। तो देखिए, मेली रानी को नहाने के लिए आ गए हैं, लेकिन ये पिटाई भी है, नहाते नहाते पिटाई भी है, क्योंकि बहुत परेशान करती ये एकदम, इतना ना भागने के लिए एकदम अथी। और ये दोनों कैमरा के पास, मतलब मोबाइल के पास, मोबाइल जहाँ रखे हुए थे वहाँ पे एकदम परेशान कर रही थी, बार बार मोबाइल गिरा दे रही थी। इसी चक्कर में मुसू रानी जो नहाई वो वीडियो डिलीट हो चुका है। ये बहुत परेशान की है नहाने में मेली रानी। तो देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए कैसे कैसे ये सबको नहाया है, पिटाई भी है। ये लोग को डरा रहे थे क्योंकि दोनों ना एकदम मतलब बार बार मोबाइल गिरा दे रही थी और ऊपर अंदर आने के लिए छटपटा रही थी चीकू रानी तो, और मेली रानी थोड़ा सा देखिए एक थाप पिटाई तो उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गई है, लेकिन शांत नहीं, उसको अभी भी मौका मिले तो छोड़ दे तो भाग जाएगी बाहर, ऐसे कहले हैं। और बोला गया था जो ला के हमको दिए थे, वो बोले थे कि ये नहाने में कोई एकदम शांति से नहा लेती है, ये शांति से क्या नहाती है, तो बंदर है, नहाने में एकदम नहाने ही नहीं चाह रही थी। ये लोग को डांटना भी पड़ रहा है। और जो जो हम मेरा वीडियो
पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कॉमेडी वीडियो आपको देखने को मिले, ऐसा ही ये सब का वीडियो देखने के लिए मिले। जिन लोगों को मेरा बच्चा अच्छा लगता है, कॉमेडी करती है, ये लोग खेलती है, दौड़ती धूपती है, जिनको जिनको अच्छा लगता है वो लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें इसी तरीके का तो आपको पास जाए, और फैमिली फ्रेंड में शेयर कर भी कर दीजिए। भागने के लिए एकदम बहुत ताव है, एकदम मतलब 6 महीने में लग नहा रही है मेरे पास, 6 महीने नहीं इसका 5 महीने, हाँ 5-6 महीने हो ही गया, 6 महीने इसका भी। आई थी तो मेरे पास नहा के आई थी। सूखा हुआ रहती है तो कितनी मोटी लगती है, लगती कितनी मोटी है, देखिए तो कितनी पतली ही लग रही है कि कुछ हड्डी है सिर्फ शरीर में। इसका एक आदत है ना कि जब हमारे पास रहेगी ना मेरे पास, तो मेरा शरीर में सट के ही सोएगी, एकदम देखते रहेगी आशा कि कब हम बेड पे लेटते हैं कि मेरे बगल में आके सट के लेट जाएगी। और जब तक हम लेटेंगे नहीं, कुछ काम करते रहेंगे, तो जहाँ हम काम करते रहेंगे वहाँ पे बैठी रहेगी मेरे बगल में। मेरे कितना बार तो इसका पूंछ दबा गया है, पैर दबा गया है, तब ये भी बाज नहीं मानती है। कितना बार डांटते हैं तो हट जाएगी, और फिर जब नहीं हम देख रहे हैं तो फिर आके बैठ जाएगी। ये मिली रानी ऐसी है, बहुत तो अच्छी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है, बहुत बदमाशी भी करती है, क्योंकि गेट खुला हुआ रहता है तो पीटी उषा बन जाती है, भाग जाती है। और गोदी चढ़ेगी तो इतना प्यार से एकदम गोदी चढ़ेगी ना, लगेगा ना कि बच्चा आदमी का बच्चा है एकदम, मतलब गले मिलेगी ना तो एकदम आदमी का बच्चा जैसा एकदम लगेगा ना, मतलब इतना प्यार आएगा ना उस समय कि क्या बताएं, लगेगा आदमी का बच्चा है एकदम प्यारा सा, एकदम गले मिलेगी, पोछने भी नहीं दे रही, पोछने में भी उछल रही थी। सोचे कि रस्सी बांध देंगे, उसके बाद क्योंकि भाग जाती तो पूरा घर आप खुद को भी गंदा कर लेती, नहाने का कोई फायदा भी नहीं होता और उसके बाद घर भी गंदा हो जाता। इसका बाल भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो इसका बाल भी कटवाना है। इसका इस सब का बाल कटवाने में इस सब का अलग बाल कटने वाला होता है ना, तो बाल और नाखून इसका कटेगा। तो बोला गया है, हम शायद पूछे थे तो बोला गया था कि 2000 रुपया लगेगा इसका बाल कटवाने में। तो देखिए कैसे कैसे कर रही है, आपको कॉमेडी करेगी, और मेरा डर से कभी कभी क्या होता है ना वो डर जाती है, तो देखिए कैसे कैसे कर रही थी। पोछ रही है अपने आप को, सूखा हुआ शरीर रहता है ना तो ये ऐसे नहीं करती है, मुस्कुरानी ऐसे करती है, लेकिन ये आज ऐसे भी ये भी कर रही है। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को, देखिए ये लोग का कॉमेडी, मिली रानी का मेरा कॉमेडी। ये सूखा वाला तौले से पोछ ले रहे थे, क्योंकि वो हरा वाला से मुसुरानी को भी पोछे थे और इसको भी, तो दोनों को बहुत ज़्यादा भींग गया था, सोचे सूखा वाला से पोछ लेते कुछ तो सूख जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा, मुसुरानी को तो ज़्यादा असर नहीं करता है ठंडा, लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडा असर करता है, क्योंकि इसको पहले जब ठंडी आने लगी थी ना तो फर्स्ट में ही इसको ठंडी मार दिया था, तो इसको थोड़ा सा असर कर जाता है। तो देखिए कैसे कैसे कॉमेडी कर रही है पूरा, मतलब बढ़िया, और इसके मन मुताबिक कुछ छाया नहीं है ना शरीर, इसको लग रहा है भींजा हुआ ही है, तो इसलिए ऐसे ऐसे कर रही है।
और ठंडा का बहुत सारा कपड़ा भीजना भी है, धोना भी है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये लोग को खिड़की पे बैठा दिए थे नहाकर, ताकि धूपा लगे तो सूख जाए। और देखिए दोनों इधर ही देख रही, क्योंकि गर्मी भी लग रहा था तो उतरने के लिए भी परेशान थी। मुस्कुराने का नहाने के बाद का ऐसा भी फोटो है। और मेली रानी का यह है, मेली रानी का तो थोड़ा सा सूख गया था। और ये हम लोग शाम में कॉमेडीज़ का बाल बांध रहे थे, हमारे पास रबड़ नहीं था तो ये क्लचर लगा दिए थे। तो देखिए कैसी लग रही है। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।